चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अभी थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि मसल की क्लास हमारी अभी बेसिक एनाटोमी पूरी करी थी हमने, तो मसल मास के बारे में या मसल की सेल के बारे में थोड़ा सा और समझ लें, तो डिजीज को भी थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा। ये फिलहाल हम स्केलेटल जो मसल हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, और उस मसल के बारे में अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, आपको समझाऊंगा पहले। उसके बाद फिर हम मिस्थीनिया ग्रेविस को समझेंगे और उसका ट्रीटमेंट, और फिर उसके बाद आज फिर मैं पांच प्रोटोकॉल आपको क्लास के सेकंड हाफ में बताऊंगा, पांच इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। मैं कोशिश करूंगा कि डेली लाइफ में आने वाले जो छोटी छोटी डिजीज हैं वो बहुत अच्छे से कवर हो, और जो एलोपैथी करते हैं वो उससे वापस आए और वैसा ही रिजल्ट उनको मिलना शुरू हो जाए। छोटे छोटे प्रोटोकॉल बहुत इफेक्टिव हैं जो वो पेशेंट्स पे ट्राई कर रखे हैं, मैंने भी ग्रुप में भी, उसके अलावा फैमिली मेंबर्स पे भी ट्राई किए हुए हैं सारे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट उनके हैं वो। मैं बाद में 10 मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, 5 में आज उसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। तो सबसे पहले हम यहाँ इसमें समझते हैं, एक चीज आप समझिए कि ये मसल है और ये बोन है, ठीक है? तो मसल बोन सॉरी बोन मसल बोन और ये बीच में टेंडन है, यानी कि BTM या MTB कैसे भी आप बोलें, इसका मतलब ये हुआ कि मसल को, मतलब स्केलेटल मसल को बोन से कौन जोड़ता है? टेंडन। टेंडन थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो मसल को बोन से जोड़ के रखता है, और इसमें लचीलापन बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, और ये दोनों एंडिंग पे होता है मसल्स की। जैसे अगर आप बाइसेप्स की जो मसल है वो देखें, जो हमारे हाथ में होती है, उसका एक हिस्सा जो आपका बाइसेप्स हो चाहे ट्राइसेप्स हो, हाथ में दोनों दोनों टाइप के जो मसल्स हैं उनका एक हिस्सा ऊपर कंधे की साइड में जुड़ा होता है, और दूसरा हिस्सा जब यहाँ पे ये मसल एंड होगी आगे चल के, तो दूसरा हिस्सा नीचे जो हमारी एल्बो होती है, कोहनी होती है, वहां पे कनेक्टेड होता है बाइसेप का। और इनमें जो है मैंने बताया फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, तो जब स्ट्रेचिंग होती है मसल्स में, स्ट्रेचिंग होती है, कॉन्ट्रेक्शन जब मसल में होता है, या जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करके जब हम हाथ को नीचे और ऊपर करते हैं, उसमें ये तो आपको पता ही है कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में से एक में स्ट्रेचिंग होती है और एक को रिलैक्स मोड में रहता है, एक में स्ट्रेचिंग होती है दूसरा रिलैक्स मोड में रहता है। लेकिन टेंडन क्या है, टेंडन का आप देखिए ये फ्लेक्सिबल नहीं है। मान के चलिए आप, ये आपका कंधे वाला हिस्सा है और दूसरे हिस्से में आपका ये एल्बो वाले में, मतलब कोहनी वाले एरिया में आपका कनेक्टेड है, तो जब आपकी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब इसका साइज कम होगा, तो इसका साइज तो कम होगा, इसका साइज कम होने की वजह से जो नीचे टेंडन लगा हुआ है कोहनी में वो खिंच जाएगा, वो खिंचने से क्या होगा, हाथ ऊपर उठ जाएगा। तो इसी तरीके से हम टेंडन और मसल की हेल्प से अपने हाथ को ऊपर नीचे, मतलब कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्स, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्स का जो प्रोसेस है वो करते हैं, तो ये टेंडन होगा। इसमें एक चीज और भी है, ये तो हो गया MTB, शॉर्ट में हम क्या समझते हैं इसको, MTB मतलब मसल्स टेंडन और बोन। लेकिन ऐसे ही BLB भी एक कॉम्बिनेशन होता है, बोन लिगामेंट एंड बोन, यानी कि बोन को बोन से जो जोड़ता है, बोन को बोन से जो कनेक्ट करता है वो होता है लिगामेंट, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो लिगामेंट और टेंडन दो चीजें हैं अलग अलग, इनको आप MTB और BLB ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। खैर, अब हम मसल मास की बात करते हैं, या मसल जो हमारी मसल होती है उसकी बात करेंगे, मसल के टिश्यू की, मसल मास या मसल टिश्यू आप उसे बोल सकते हैं। और जो स्केलेटल मसल है या जो मसल टिश्यूज हैं वो बहुत सारे नंबर ऑफ मसल सेल से बना होता है, तो मसल्स की सेल्स को मायोसाइट्स बोलते हैं, ये मैंने पहले आपको बताया था एक बार स्टार्टिंग में। और जहाँ पे मसल्स की और मसल फाइबर की स्टडी हम करते हैं तो उसको हम मायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? तो मसल सेल होगी, और जो मसल सेल्स हैं हमारी उनका जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो सिलेंड्रिकल होता है, मतलब सिलेंडर लंबे साइज में वो होते हैं देखने को। आप ये देखिए मसल्स को, आप जब किसी भी पिक्चर में देखेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर नीचे तक एक धागा नुमा, एक थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर, गोल धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब जो मसल्स के फाइबर हैं
वो नीचे से लेके जहां तक वो पर्टिकुलर मसल एंड होती है वहां तक उसके फाइबर, वो मसल फाइबर जाते हैं। ये तो हुआ कि भाई आप जो मसल है उसका स्ट्रक्चर कैसे हम देख रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि जो आपका मसल है, ये पूरा मसल मास है जो भी आपको दिख रहा है, पूरी की पूरी मसल के चारों तरफ से ये एक स्पेसिफिक टिश्यू से कनेक्टेड होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। याद रखो, जब मैंने टिश्यू आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू लगभग हर ऑर्गन को, सभी ऑर्गन को, हर उसके अंदर भी जितने स्ट्रक्चर होते हैं सबको वो प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोटेक्शन का उसकी काम करता है, यानी कि सब जगह कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो यहाँ भी ये एक कनेक्टिव टिश्यू के बाहर हमें देखने को मिलेगा, यानी कि मसल्स में भी कनेक्टिव टिश्यू हमें देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि C3 बहुत अच्छी रेमेडी है मसल्स की और कनेक्टिव टिश्यू की, साथ में टेंडन की भी। कहीं पे टेंडनाइटिस देखने को मिल रहा है, ठीक है, मसल्स की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, मतलब मायल्जिया यानी कि मसल पेन, बॉडी पेन भी जिसे आप बोलते हैं, वो देखने को मिल रहा है, तो वहां पे C3 बहुत अच्छा वर्क रेमेडी हमारी करती है। तो इसके बाहर की जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है इसको हम एपीमाइसियम बोलते हैं। ये एपीमाइसियम बाहर जो की लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। फिर इस जो हमारे जो मेन जो मसल है इसके अंदर फिर और बहुत छोटे छोटे बंडल होते हैं, और उन बंडल को भी, ये जो फाइबर्स के बंडल हैं, ये जो फाइबर्स के बंडल हैं, इन बंडल्स को भी आप देखो, इसमें एक कनेक्टिव टिश्यू इनको प्रोटेक्ट कर रहा है चारों तरफ, हर एक बंडल को एक कनेक्टिव टिश्यू भी कनेक्ट करके रखता है। इसको बोलते हैं पेरिमाइसियम, यानी क्या, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर के अंदर भी है, मसल मसल मास के अंदर भी है, फिर उसके अंदर जो फाइबर्स हैं, फाइबर के जो बंडल हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ये एक पूरा मसल मास है जिसके अंदर बहुत सारे बंडल हैं, फिर उन उनमें से हर एक बंडल को भी कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको पेरिमाइसियम बोलते हैं, ठीक है। फिर पेरी जो ये बंडल ऑफ मसल फाइबर है, इसके अंदर फिर बहुत सारे फाइबर होते हैं, हर एक फाइबर को भी कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट करता है। अब आप देखिए कनेक्टिव टिश्यू का कितना बड़ा रोल है, इसलिए मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो पाया जाता है। अब हर एक कनेक्टिव टिश्यू यानी कि हर एक बंडल के अंदर जो एक फाइबर है उसको भी एक कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसको हम एंडोमाइसियम बोलते हैं, यानी कि एपिमाइसियम, पेरिमाइसियम और एंडोमाइसियम। ये मसल, पूरे मसल मास की, या पूरे मसल जो फाइबर हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, या कोई भी एक मसल है, उसमें ये तीन टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आगे आप सिंगल मसल फाइबर को भी, सिंगल ये जो मसल फाइबर है, एक एक पूरे ग्रुप से हमने निकाला, एक सिंगल मसल फाइबर को भी आप जो है आगे निकाल सकते हैं। फिर इसमें भी टी सेल, टी चैनल, बी चैनल, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। खैर वो बहुत ज्यादा डीप में चीजें हो जाएंगी, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, कोई फिगर डाल दूंगा तो आप समझ लेंगे। लेकिन यहाँ भी हमें एक चीज और समझने की रिक्वायरमेंट है कि इसमें ब्लड वेसल्स भी अंदर जो है, पूरे के पूरे मसल जो स्ट्रक्चर है आपका, इसमें ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी, आर्टरीज भी देखने को मिलेंगी। तो जब बॉडी पेन होता है या मायल्जिया की कंडीशन देखने को मिलती है, तो C3 तो वर्क कर ही रही है आपकी। अब क्योंकि ये मसल्स हैं, मसल पे मैंने बताया था S5 जो है वो जितने भी मसल फाइबर है उस पर S5 काम करती है, जब S5 पढ़ाया तब भी। तो S5 हो गया, C3 हो गया। इसके अलावा क्योंकि ब्लड वेसल्स में मोस्टली जो आर्टरीज हैं वहां जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम की वजह से पेन देखने को मिलता है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम में, मसल पेन में, A1 भी बहुत अच्छी, यानी कि A1 काफी अच्छी जो रेमेडी है। लेकिन अगर चीजें समझ में नहीं आती हैं और लगता है कि जरूरी नहीं कि सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो, तो आप A3 भी दे सकते हैं, A3 भी काम करते हैं, क्योंकि A3 लगभग हर टाइप के वेनस सर्कुलेशन पे भी, आर्टेरियल सर्कुलेशन पे भी, और जो आपका लिम्फ सर्कुलेशन पे भी काम करती है। हालांकि लिम्फ सर्कुलेशन की ज्यादा अच्छी रेमेडी A2 है, वेनस सर्कुलेशन और लिम्फ सर्कुलेशन की ज्यादा अच्छी रेमेडी A2 है, जब वो S1 या S2 के साथ लग के चलती है। लेकिन फिर भी फर्स्ट चॉइस इसमें A1 रहेगी, बाकी आप A3 का सिलेक्शन भी इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो पूरे के पूरे मसल जो स्ट्रक्चर है उस पे सर्कुलेशन जैसी प्रॉब्लम नजर आती है, तो आप RE दे सकते हैं, RE बहुत अच्छा काम करता है मायल्जिया में, मसल पेन में।
डब्ल्यू ही दे सकते हैं, दोनों को इकट्ठा लगा के भी आप वहां पे दे सकते हैं। लेकिन अगर चोट लगने की वजह से प्रॉब्लम दिख रही है वहां पे, और ब्लूइस जो अगर चोट लगने से कोई ब्लू ब्लू नीला जो सर्कल बन गया कोई चोट की वजह से वहां पे निशान, वो सेल एकदम से मसल सेल फाइबर्स के डेड होने से वहां पे नीला ब्लड सर्कुलेशन रुक जाने की वजह से नीली चीजें वहां पे नजर आती है, तो वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी आर ई की जगह जी यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगी। इसलिए जो C11G है, C11 जिसमें A2 C5 S5 L1 का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी अच्छी रेमेडी वहां पे काम करती है। खैर ये तो मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप इसमें से सिलेक्शन करेंगे तो आप हमेशा आपको बॉडी पेन में मसल पेन में ऐसी जगह जो है रिलीफ देखने को मिलेगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि कहीं टेंडन की प्रॉब्लम तो नहीं है। शोल्डर पेन की स्थिति में कई बार क्या बहुत बार टेंडनाइटिस या टेंडन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो वहाँ हमें देखना है कि टेंडन की प्रॉब्लम है। और उसके अलावा लिगामेंट की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है शोल्डर पेन में। लिगामेंट और टेंडन दोनों पे ही C3 काम करता है, तो जब आप देंगे C3 को L2 के बाद, जब S5 C4 हम लगाते हैं, C4 की जगह आपको C3 वहां पे अटैच कर देना है। ठीक है, आप चाहें तो अगर आपको चेक करके चलना है कि सब कुछ कुछ प्रॉब्लम कमी ना रह जाए, तो आप C4 200 की ग्लोबुल बना के 3-4 दिन के लिए उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेंडन लिगामेंट की प्रॉब्लम लग रही है, जॉइंट की प्रॉब्लम बड़ी नहीं लग रही है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं लग रही है, तो आप C3 का सिलेक्शन ही वहां पे करें, वही ज्यादा अच्छा वहां पे बेस्ट रिजल्ट निकाल के देगा। बाकी L2 है, L2 के साथ S5 आप ऐड करो, अदरवाइज आप L2 नहीं यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मल C11 भी कर सकते हैं। ठीक है, C11 में C5 भी होता है, लेकिन C5 के साथ भी मैं तो बहुत बार C3 भी ऐड कर देता हूँ, G ऐड कर देता हूँ, REWE, ऐसे अगर रेमेडी के जो फीचर हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो क्लियर हैं, तो आप आराम से सिलेक्शन कर सकते हैं थोड़ा सा मतलब देखने के साथ में। कुछ रेमेडी ऐसी भी हैं जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, वो मैंने पहले भी बताई है और अभी भी मैं आपको बताऊं तो जैसे VEN1 है, A2 है, C5 है, G है, ये एक ग्रुप बनता है जो आपस में अच्छे से काम करती है। S10 है, C10 है, VAR1 है और Y, ये इनका ग्रुप एक बनता है, बहुत अच्छे से काम करती है। L2 के साथ इलेक्ट्रिसिटी में RE बहुत अच्छे, मतलब S1 के साथ RE बहुत अच्छे से जो है वो फंक्शनिंग करती है। तो ऐसे अगर थोड़ा सा क्लियर रहे हमें तो वो मैंने बताया भी था जब सारी रेमेडी पढ़ाई है कि कैसे कैसे वो फंक्शनिंग कर सकती है, हर एक रेमेडी में प्रोटोकॉल भी बताए हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा आइडिया कर रहे हैं ये कॉम्बिनेशन का, तो उसमें सिलेक्शन जो है या प्रोटोकॉल का बनाना बहुत ईजी हो जाता है। और यही मैं चाहता हूँ, यही मेरा मोटिव है कि जितने भी आप लोग 50-52 लोग लगभग जो हमारे इस क्लास में हैं मिला के, उन सभी को प्रोटोकॉल पूछने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, वो सब जो है समझते रहें, देखते रहें और खुद ही चीज़ें वो डिसाइड कर पाए। अच्छा, यहाँ पे जो है ये सब इसमें एक फ्लूड भी भरा होता है, ठीक है, और वो फ्लूड भी इसको प्रोटेक्ट करता है, उस फ्लूड को हम सार्कोलेमा बोलते हैं और सार्कोप्लाज्म भी आप उसे कह सकते हैं, लेकिन सार्कोलेमा ही उसको मोस्टली जो है बोला जाता है। तो खैर वो तो अलग चीज़ है, फिलहाल तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे जो अभी हमने समझाया और देखा है। अब हम बात करते हैं जो डिजीज हमें डिस्कस करनी है आज, बस एक मिनट के लिए मैं स्क्रीन चेंज कर दूं जरा।
मिस्थीनिया ग्रेविस, या मायस्थीनिया ग्रेविस, कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आप उसको। हालांकि थोड़ा सा और डिस्कशन मसल के चैप्टर पे हम करने के बाद कर सकते थे इसको, लेकिन कोई नहीं, उसको फिर डिस्कस कर लेंगे हम थोड़ा सा बाद में। लेकिन फिर भी यहाँ हम अगर समझे इसको, तो ये ऑटोइम्यून डिजीज है और क्रोनिक डिजीज है। ऑटोइम्यून मतलब इसमें भी जो इम्यूनिटी है हमारी, वही हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर एक्टिविटी ही उसका जो है बड़ा रोल प्ले करती है उसमें। और ये एक्चुअली न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है, मतलब जिसमें नर्व्स और मसल्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट वहां पे हमें देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स बहुत सारे, सब अलग अलग हमें देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग तरीके से। कई लोगों को आईज में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और मसल से रिलेटेड जो वीकनेस है वो ज्यादा इसमें रहती है, खासकर स्केलेटल मसल ही इसमें जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक्टिविटी के जो पीरियड है आपका, उसमें ये इसकी जो कंडीशन है वो वर्स हो जाती है, बहुत बुरी हो जाती है। और रेस्टिंग के पीरियड में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिलता है, लेकिन जो इसका प्रॉब्लम है वो आपको स्केलेटल मसल्स के एरिया में ही आपको देखने को मिलता है। बहुत सारी फिजियोथेरेपी या कई बार कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट थेरेपीज या कुछ और मसल एक्टिवेशन की चीजें, डिवाइसेस होती हैं, और उनके यूज से, या बोलूं कि उनके जो एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का यूज वहां पे किया जाता है, तो उससे कई बार उन चीजों से इनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। और हम भी अपने ट्रीटमेंट के साथ अगर फिजियोथेरेपिस्ट का यूज करें ऐसी प्रॉब्लम में, चाहे मायस्थीनिया ग्रेविस हो या मिस्थीनिया जो भी आप बोले, या फिर पैरालिसिस की कंडीशन हो, तो वहां पे बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट और बहुत अच्छे रिजल्ट हमें इसमें देखने को मिलते हैं। हालांकि पोज की आप इसकी बात करें या कारण की बात करें, तो कारण तो वही है कि जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, वहां जहां भी आप जाएंगे तो वहां सीधा सीधा यही बोला जाएगा कि भाई ऐसा कोई नॉन बड़ा रीजन हमें इसका पता नहीं है कि किस वजह से ये होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कोई नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में कोई एरर, जैसे फोन में या कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ जाती है, या हार्डवेयर की कोई एरर, या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों मिलकर कोई एरर क्रिएट होती है, तो एक तरीके से आप देखिए, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसमें इफेक्ट कर रहा है, यानी कि नर्व्स से जो इम्पल्सिस आ रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के तरीके से हो गया, और मसल्स को जो कंट्रोल करने की एबिलिटी उसकी खत्म हो जा रही है वो हार्डवेयर हो गया, यानी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से मिलकर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसी को हम इसमें वहां पे देख के चल सकते हैं। और इसमें जो जिस जिस टाइप से जैसे मसल क्रिएट होगी, उसी पार्ट में जो है वीकनेस हमें देखने को मिलती है। तो हम सीधा बोले कि भाई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और इसका मतलब हमारी इम्यून सिस्टम ही है, और एंटीबॉडीज ही इसमें भी वही है कि विपरीत एंटीबॉडी बनती है, मतलब सही एंटीबॉडी ना बन के एक तरीके से अपोजिट एंटीबॉडी इसमें काम करती है। थाइमस जो ग्लैंड होती है, और उसका बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड ही आपके जो इम्यूनिटी फंक्शन है उसको बहुत काफी बड़े जो लेवल होता है उस पर कंट्रोल करती है, तो थाइमस ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें हमें देखने को मिलता है। और क्योंकि वहीं से सारा आपका इतने सारे जो सिग्नल्स है वो कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मेन चीज आप इसमें देख के चलेंगे वो वही है कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की जो एबिलिटी है वो उस पे जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो उसी पे इसका पड़ता है, और वहीं से इसका होता है कि भाई कोई एरर जनरेट ही और सही से जो इम्पल्स है वो वहां पे नहीं जो पहुंच पा रहे हैं, यानी कि इंटरप्ट हो रहे हैं वो। इसके इंटरप्ट होने की वजह से फिर आईज के जो मसल्स हैं उसमें उनमें वीकनेस देखने को मिलती है। आईज के मसल्स में वीकनेस देखने की वजह से कई बार उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड जो है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आईलिड का ड्रॉपिंग, जहाँ पे आपको जो पूरा का पूरा स्क्लेरे वाला एरिया, स्क्लेरे वाला एरिया है वो भी घूम जाता है, या वो एक साइड में जो है शिफ्ट हो जाता है पूरा।
ठीक है, ब्लर विजन या डबल विजन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। इसके अलावा थ्रोट में प्रॉब्लम दिखती है, जहाँ पे डिफिकल्ट ऑफ स्वेलोविंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। और स्पीच में भी इम्पेयर्ड स्पीच जिसे हम बोलते हैं, वो देखने को मिल सकता है कि भाई बोलने में प्रॉब्लम वहाँ पे नजर आएगी। इसके अलावा आर्म में वीकनेस, हैंड्स में वीकनेस, फिंगर, लेग और नेक में अलग अलग जो मसल्स हैं वहाँ, उनमें उनकी वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। आईज में तो बहुत बहुत ज़्यादा लेवल पे ये देखने को मिलता है, और बहुत सारे पर्सन को आप देखते भी होंगे कि किसी की एक जो सिंगल आई, कई बार डबल आई भी जो है वो बहुत ज़्यादा आईलिड ड्रॉपिंग वहाँ पे लगातार बनी रहेगी, या पूरा का पूरा ही जो पुपिल वाला एरिया है वो एक साइड में पूरा शिफ्ट हो जाएगा, आईज का एक साइड में अंदर जो चला जाएगा, क्योंकि वो जो मसल्स का वहाँ पे कंट्रोल है वो वहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो इम्पल्स है वो उतने तरीके से नहीं आ पाते हैं। यानी कि रिसेप्टर्स जो होते हैं जो इन इम्पल्सिस को वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, या इन इम्पल्सिस को वो लेते हैं, उन रिसेप्टर्स की प्रॉब्लम भी वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो साइनेप्स के रिलेटेड प्रॉब्लम भी वहाँ आपको साफ साफ नजर आएगी। अगर हम एंटीबॉडी की बात करें, इसमें भाई कौन सी जो एंटीबॉडीज हैं, जैसे हम तो इसमें भी मेनली तो आईजीजी एंटीबॉडी का ही रोल रहता है, लेकिन इसकी जो एंटीबॉडी है, जो जो टेस्ट वगैरह इसमें इम्यूनोग्लोबिन जो एंटीबॉडी है, आईजी जिसे हम बोलते हैं, तो IgG1 और IgG3 एंटीबॉडी का इसमें जो रोल है वो देखने को मिलता है। और कुछ रिसेप्टर भी, जैसे मैं बात कर रहा था रिसेप्टर, क्योंकि रिसेप्टर ही वहाँ पे जो जंक्शन है उनको सॉरी जो इम्पल्स है उनको वो एक्सेप्ट करते हैं या उनको रिसीव करते हैं, ये सब वैसे ही है। रिसेप्टर के बारे में आप लोग जानते हैं कि भाई कहीं से मान लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, या किसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से छोड़िए, मान लो किसी ग्लैंड से कोई हार्मोन सिक्रेट हुआ, वो हार्मोन सिक्रेट होके वो कहीं पहुंचेगा ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह। और सबसे बड़ी चीज यह है कि हार्मोन केवल वही इफेक्ट करता है जिसके लिए वो रिलीज हुआ है। मतलब कोई हार्मोन अगर रिलीज किसी पार्ट के लिए हुआ है तो उसी पार्ट पे जाके इफेक्ट डालेगा। उसका रीजन यही है कि उसको रिसीव करने के रिसेप्टर केवल उसी पार्ट में आपको मिलेंगे, तो वहां पे यहाँ पे रिसेप्टर्स की प्रॉब्लम भी हमें मतलब इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। और इसके जो रिसेप्टर है वो एसिटोकोलाइन रिसेप्टर है, क्योंकि एसिटोकोलाइन ही मेनली इसमें जो उसके इनहेबिट की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आती है। ACHR उनको बोलते हैं, एसिटोकोलाइन रिसेप्टर। खैर ये हम बाद में भी जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। टी लिम्फोसाइट मतलब टी सेल का इसमें रोल है आपको, और तो थाइमस ग्लैंड भी आप अगर ट्रीटमेंट में आप लेके जाएंगे, यानी कि आपको कितनी जगह यहाँ पे वर्क करना है। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी मैनेज करके चलना है, सीएनएस को, इम्पल्सिस तो आ ही रहे हैं वहां से, लेकिन वो कोई एरर है, ट्रांसमिशन का एरर आप उसे समझ सकते हैं, या रिसीव करने का एरर आप उसे समझ सकते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हमारे पास कौन सी रेमेडी है, हमारे पास F1 है, हमारे पास WE है, ठीक है, RE है स्टिमुलेट करने के लिए। लेकिन क्योंकि डिस्ट्रक्शन जैसी चीजें भी आपको इसमें नजर आती हैं, डिस्ट्रक्शन का मतलब एक तरीके से जो शेप एंड साइज है उसमें भी डिफरेंस नजर आता है, ठीक है। और तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का रोल भी हमें इसमें देखने को मिलता है, ये हमें करना चाहिए। इसके अलावा अभी जो पढ़ाते हुए मैंने आपको रेमेडी बताई है इसमें, क्योंकि मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो यानी कि हमें S5 का यूज करना है, C3 का यूज करना है। तो अगर अब पूरा का पूरा हम एक ग्रुप बना लें तो S5, F1, WE, RE, G, C3, ठीक है, ये रेमेडी हमें इसमें सिलेक्शन ऑफ चॉइस में देखने को मिलेंगी, मिस्थीनिया ग्रेविस में।
लेकिन क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इंटरमिटेंटली S1 का 1000, मतलब बीच में महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, S5 का 1000, ठीक है, मंथली या 15 डेज पे, मतलब फोर्टनाइट या मंथली आप दे सकते हैं। वेन1 का 1000 आपको कंटिन्यूस चलाना है। बाकी दूसरी रेमेडी जो देनी है S5 S1 बदल बदल के, वो ठीक है, लेकिन वेन1 का 1000 कंटिन्यूस एवरी 15 डेज या वीकली, बल्कि वेन1 को तो आप वीकली ही चलाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑटोइम्यूनिटी जितने भी डिसऑर्डर हैं, और वेन1 थाइमस ग्लैंड पे भी बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो वेन1 1000 देने से कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है वो भी वहां पे आपको आराम से कंट्रोल हो जाए। तो इस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट बना सकते हैं। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पे कि कैसे हमें इसको एक्चुअली क्रिएट करना चाहिए, इसके ट्रीटमेंट को। देखो एक आध फिगर मैं आपको दिखाता हूँ मिस्थीनिया ग्रेविस से रिलेटेड भी, आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम जरूर आपके सामने आई होंगी, ऐसे पेशेंट भी आपके सामने। ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड तो बहुत कॉमन है, इस टाइप के केसेस इसमें इस टाइप से देखने को मिलते हैं काफी। ये देखिए नीचे जो मैं दिखा रहा हूँ, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, इस टाइप से चीजें काफी इसमें नजर आती है। हालांकि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो तो किसी भी एज में सकता है, लेकिन ये थोड़ा लेटर स्टेज में ही जो डिजीज है आती है। खैर अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो अब हम इसमें इंटरनली भी प्रोटोकॉल जो है हम वो इसमें S5L1A3, वही कॉम्बिनेशन मेरा फिर काम आएगा यहाँ पे, F1 और RE, एक कॉम्बिनेशन ये बनाएंगे हम, और इसको आप D5 या D6 में चलाएं। दूसरा कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे C3 के साथ में, C3 VAN1 WEG D5 या D6 क्यों यूज कर रहे हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया पहले ही इस रेमेडी का क्या वर्क है। S5 को 1000 अल्टरनेट करेंगे S1 1000 फोर्टनाइट, मतलब 15 डेज पे, मतलब महीने में एक बार S5 का 1000 एक बार S1 का 1000, या एक डे में अल्टरनेट भी कर सकते हैं। एक दिन मतलब जैसे 1 तारीख को फर्स्ट जो डेट है उसको आपने S5 का 1000 दिया, और अगले दिन आपने S1 का 1000, ऐसे भी इसको कर सकते हैं।
और वेन वन कंटिन्यूस आपको रखना है एवरी फोर्टनाइट, इसके अलावा एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, ए टू एस फाइव बल्कि ए वन लीजिए आपको, ए वन एस फाइव सी फाइव एफ वन आर या जी आपको देखना है। जैसे जो कहीं पेन जैसी कंडीशन लगती है ज्यादा तो आप आर ई का सिलेक्शन कर सकते हैं, वैसे आर ई ज्यादा सही रहता है इसमें, लेकिन जी भी किया जा सकता है। इसको डी फोर में कॉम्प्रेस करना है, जो इफेक्टेड पार्ट है उस पर कर दीजिए आप, इफेक्टिव पार्ट इफेक्टेड इफेक्टेड पार्ट पे। इसके अलावा आप चाहें तो इसी का सेम कंप्रेस स्पाइन पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पाइन पे आपको करना है तो आप सी थ्री ऐड करिए, सॉरी सी फोर ऐड करिए। अगर आपको नर्व इम्पल्सिस या सीधी सी बात है, अगर आपको हैंड की लेग की ठीक है ऐसी मसल्स में वीकनेस नजर आ रही है तो आपको स्पाइन पे भी कंप्रेस करना ही पड़ेगा। फिर आप दो कंप्रेस भी बना सकते हैं, ये इफेक्टेड जो मसल है उस पर अप्लाई करने के लिए फर्स्ट वाला, और चाहे तो आप सी फोर, वैसे अगर इसमें भी आप सी फाइव सी फोर दोनों ऐड कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो भी ये काम कर देगा। तो आप इसको स्पाइन पे और सब जगह जो इफेक्टेड एरिया है वहां पे इसका कंप्रेस करेंगे। मीटिंग एंड हो जाएगी तो फिर उसके बाद दोबारा कनेक्ट होंगे, फिर हम पांच प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे।